राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? आज मेरे घर से निकले हुए 21वां दिन शुरू हो गया और अभी कुछ 6:15 या 6:30 हो रहे होंगे टाइम। और मैं हूँ अभी यहाँ पे सिम्बाचलम में, जो कि टेम्पल मतलब सिम्बाचलम में एक जगह है, वहाँ पे टेम्पल है ऊपर पहाड़ पे 3-4 किलोमीटर। तो मैं मंदिर से तो निकल आया हूँ दर्शन करने, मतलब दर्शन तो नहीं किए क्योंकि बहुत लंबे अंदर है, और मैंने बाहर से भगवान के दर्शन कर लिए और बस बहुत है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये देखो साइड में ये पहाड़ है, इधर पहाड़ और इधर देखो पूरा का पूरा शहर यहीं से दिख रहा है। तो अपन ने ये व्यू देख लिया मस्त, अपन यहाँ से निकलते सीधा अपने आगे के रास्ते के लिए। मैं मंदिर से नीचे आया मार्केट में और यहाँ पे देखा मैंने, देखो यार मतलब कितनी बड़ी रोड डाल रखी इनने पूरी, और मेन चीज़ पहाड़ देखो पूरे के पूरे छुपे हुए हैं। और मैं यहाँ था इस मंदिर इससे भी अंदर है, ये तो बिल्डिंग है, इसके उधर भी है मंदिर और पूरे ये पहाड़ ही पहाड़। अपन आगे कहीं चाय देखते हैं, बिस्किट खाते हैं और यहाँ से फिर आगे निकलते हैं। तो गाइस मैं चाय पीने रुक गया और यहाँ पे मैंने वही करा जो कल वहाँ पे करा था, ये देखो इतने बड़े ग्लास में फुल भर के चाय और ये इतना बड़ा बिस्किट। तो अब ये चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं ऐसे और फिर निकलते हैं आगे के लिए। मैं हूँ फिलहाल आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर अनकापिला, हाँ अनकापिले में, और वहाँ पर मुझे लॉकडाउन के सुपर हीरो की, जो लॉकडाउन में जिन्होंने रियल हीरो का काम किया था, उनकी बहुत बड़ी वाली स्टैचू मतलब पोस्टर लगा हुआ है, उस पर फ्लैग भी लगा हुआ है ऊपर। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखो द ग्रेट सोनू सूद, ये रहा हमारे सोनू सूद सर। और इन्होंने लॉकडाउन में तो आप लोगों ने देखा ही था इनने कितनी मदद की थी, तो रियल हीरो लॉकडाउन के तो यही थे। और इनकी यहाँ पे पोस्टर लगी हुई है, वो भी दोनों दो गन हाथ में और ऊपर फ्लैग। और अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से आगे बढ़ते हैं आगे के लिए रास्ते में। मार्केट में से आ गया था क्योंकि हाईवे बहुत ब्रिज आते हैं यार, वहाँ पे चढ़ने में लोड आता है, तो मार्केट में से निकल चलते हैं। तो मेरे को ये दिख गया सही है यार। गाइस मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और यहाँ पे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड जा रहा राइट हैंड साइड में एक पंजाबी ढाबा दिख गया, मैं वहाँ बैठ गया हूँ खाने के लिए। हाँ बाकी ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे फल फ्रूट रखे हैं, बट खाने की बात ही अलग होती है। तो मैं यहाँ खाना खाता हूँ फिर यहाँ से निकलेंगे अपन आगे के लिए, और धूप भी बहुत हो रही है तो थोड़ी देर रेस्ट भी कर लूँगा, यहीं बैठ जाऊँगा। तो खाना खाते हैं फिर उसके बाद में निकलते हैं आगे के लिए। गाइस खाना आ गया, आज मैंने मंगवाई है दाल के अलावा आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी और तंदूरी रोटी। तो इनको खाते हैं। और ये जो रास्ते में एक अंकल मिले थे, उनने मुझे ये प्रसाद दिया था, एप्पल दिए थे, और ये इसको खाएंगे और फिर उसके बाद में आगे के लिए निकलेंगे। खाना खा के मैं निकल चुका हूँ अपने आगे के रास्ते के लिए। और अभी मैंने कुछ दूर आगे मतलब कुछ थोड़े से आगे कुछ 50 किलोमीटर होगा एक गाँव देखा है, छोटा सा शहर है जिसका नाम है तुन्नी। तो आज रास्ता है तो मैं वहीं रुकूंगा तुन्नी उन्नी में। और अब ये रहा हाईवे, अपन चलते हैं सीधा तुन्नी के लिए। देखो मैं रोड पे जा रहा हूँ और मुझे देख के एक राइडर शायद रुक गया, मे भी ये दोनों रुक सकते हैं, आप रुक तो गए हैं, मुझे देख के रुके या फिर किसी और को देख के रुके, ये नहीं पता। हाय हाय, हेलो ब्रदर, हेलो। नहीं गाइस ये मुझे देख के नहीं रुके थे, सो सैड, सो सैड टू बी। अभी इनके पास तो पूरी किट है, ये हेलो गाइस मुझे देख के तो रुके नहीं थे, ये तो पता नहीं आप पे रुक गए थे तीनों के तीनों, पूरी की पूरी किट और फुल राइडिंग वाले कपड़े वगैरह माइक वगैरह भाई इतनी सारी चीज़ें लगा रखी थी ना उनने। तो कोई ना एक बार अपन भी जाएंगे, पर अपना तो पोपट हो गया भाई, वो अपन लोग एक के रुके ही नहीं। चलो कोई ना चलते अपन भी आ गए। तो गाइस वो लोग तो चले गए, पर हाँ मुझे चाय दिख गई थी तो मैं चाय पीने रुक गया भाई, भले ही धूप हो रही हो अभी 4 ही बजे, मतलब 4 भी नहीं बजे 4:45 बजे, और मैं तो रुक गया चाय पीने। चाय के बिना तो भाई चाय की इच्छा तो वैसे हाथ तो देखो हाय क्या गंदे हो रहे हैं, कितनी तेज बोला कभी ऐसे में। चाय देख ली मैंने तो मैं तो चाय पीने रुक गया, अब यहाँ से चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। ये रही आ गई चाय तो आ गई, अब इसको पीते हैं भाई, मस्त दिख रही है कांच के गिलास में, इसको पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा अपन आगे के रास्ते के लिए। तो गाइस चाय पी के मैं निकल चुका हूँ अपने आगे के रास्ते के लिए, और धूप तो बहुत तेज हो रही है, दिखाता हूँ एक मिनट देखो, और ये रहा रास्ता। और चाय पी ली मैंने, अब निकलता हूँ मैं, थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाएगी तो अब और आगे जा पाएंगे अच्छे से।
मैं जा रहा था तुन्नी उन्नी के लिए, मतलब तुन्नी के लिए, और रास्ते में मुझे एक भैया मिले जो कि अपनी मम्मी के साथ में थे। उन्होंने मुझे रास्ते में रोक के ये पूरी माजा की बोतल दी और दो बिस्किट के पैकेट भी दिए। तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा रेस्ट लिया है तो कम से कम इसको पी लेता हूँ मैं, नहीं तो फिर ये गर्म होने के बाद में तो टेस्ट आएगा नहीं बिल्कुल भी। और फिलहाल मैं बढ़िया लोकेशन पर रुका हूँ, इधर देखो पूरा पहाड़, मस्त व्यू आ रहा है ना ये, और उसके बाद में इधर खेत, ये वाला व्यू बढ़िया आ रहा है। और ये रही अपनी साइकिल, और इसको पीते हैं फिर निकलते हैं अपन तुन्नी के लिए जो कि पास में ही बचा हुआ है यहाँ पे, और फिर वहाँ पहुँच के अपनी रुकने की व्यवस्था देखते हैं। तुन्नी में आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत बढ़िया मतलब भोले का मंदिर है, वो भी बहुत मस्त लोकेशन पे। देखो दिखाता हूँ एक मिनट, ये सामने भोले जी का मंदिर है और लोकेशन देखो, पूरे नारियल के पेड़ है भाई ऊपर, मस्त लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना। तो पूरा पूरा इतना बड़ा है मंदिर है, उधर सामने भी मंदिर है, यहाँ पे भी मंदिर है। और आज रात अब मैं यहीं रुकने वाला हूँ, यहाँ से फिर कल सुबह निकलूँगा। वैसे तो रास्ते में दो भैया मिले थे तो उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पर रुक जाना, उनका फ्रेंड है तो वो उनसे बात कर लेंगे, तो बस वो आ जाए फिर आज रात यहीं रुकेंगे, उसके बाद में अपन लोग यहाँ से सुबह निकलेंगे आगे के लिए। तो गाइस मैंने नहा लिया और मैंने ये इसलिए डाल रखा है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, और यहाँ पे जो मंदिर के शास्त्री जी हैं वो भी मेरे साथ में बैठे हुए हैं। जय हर हर महादेव शास्त्री जी, हर महादेव, हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव भैया। तो अभी सब यहीं बैठे हुए हैं और इसके बाद में अब मैं यहीं नाश्ते करूँगा और कल सुबह निकलूँगा, और कल सुबह आगे जाएंगे। और अभी के लिए जय सिया राम।